दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और पिक्चर प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में पिक्चर प्लस ने कई बार जरूरी मुद्दों को उठाया है, सिनेमा से जुड़े मुद्दों को उठाया है और आज एक बार फिर हम एक अहम प्रश्न को लेकर सामने हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना और लॉकडाउन के चलते हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। बात जहां तक फिल्म नगरी की करें तो यहां क्या छोटे और क्या बड़े सभी स्तर के कलाकार इन दिनों खासी परेशान हैं, अपने अपने हिस्से की दुश्वारियां झेल रहे हैं। हालांकि यह जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो कलाकार डेली वेजेस वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं उनकी मदद के लिए कई सारे हाथ आगे बढ़े हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं के बीच कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो ना तो डेली वेजेस वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं और ना ही किसी बड़े बैनर या प्रोडक्शन हाउस की छत्र छाया में रहते हैं। जाहिर है इनके सामने दुश्वारियां कुछ अलग ही किस्म की है। पिक्चर प्लस ने कुछ ऐसे ही कलाकारों, फिल्म निर्माता, निर्देशकों से उनका हाल जानने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं देश के जाने माने फिल्म पत्रकार अजय परमात्म जी की राय, वो क्या कहते हैं इस बारे में। कोरोना का कहर जारी है और मालूम नहीं अभी ये कब तक टिकेगा। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के जो सिने वर्कर्स हैं उनकी मुसीबत सबसे ज़्यादा है और उनकी मदद के लिए तो कई लोग आ गए हैं, लेकिन हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो छोटे निर्माता हैं या मझोले निर्माता हैं। वे तो हाथ पसारने भी कहीं नहीं जा सकते और अपने अहम में किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, तो इन लोगों के बारे में हमें विचार करना चाहिए कि इनका काम कैसे चलेगा, भविष्य में इनके लिए क्या योजनाएं हैं या कैसे ये कुछ कर पाएंगे। जाहिर सी बात है जिनकी जेब गहरी नहीं है और जो बड़े बैनर्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनकी मुसीबतें ज़्यादा विकट हैं और उसका कोई निश्चित समाधान भी नहीं दिखता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री को इस बारे में सोचना चाहिए और जो बड़े बैनर हैं, जो बड़े निर्माता हैं और बड़े कलाकार हैं, पॉपुलर कलाकार हैं, उनको इस दिशा में भी कुछ गंभीर विचार करना चाहिए। साथ ही जो फिल्म इंडस्ट्री की अनेक संस्थाएं हैं, जो एसोसिएशन हैं, उनको भी इस दिशा में विचार करना चाहिए। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां कलाकार और टेक्नीशियंस कई कई घंटे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, कभी कभी तो 12 घंटे 15 घंटे तक काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते इन दिनों अपने अपने घरों में बंद हैं। आप सोच सकते हैं कि वैसे कलाकार, दिन रात मेहनत करने वाले लोग इन दिनों किस तरह की मानसिक परेशानियों के दौर से गुजर रहे होंगे। हम सब तो गुजर ही रहे हैं अपने अपने घरों में। जाहिर सी बात है कि हमारे सामने मनोरंजन के भी साधन हैं। बहुत सारे लोग वक्त बिताने के लिए गुजरे जमाने की फिल्में देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग तो वेब सीरीज देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स देख रहे हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा है कि ऐसे ही वेब सीरीज बनाने वाले और शॉर्ट फिल्म्स बनाने वाले फिल्म मेकर्स इन दिनों किस हालत में हैं? हमने कुछ ऐसे ही फिल्म मेकर्स से उनकी हालत के बारे में जानने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर इस दौर में वो कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आज मैं इस चैनल के थ्रू एक बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही अहम अपील करने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूँ। ये जो महामारी है जिसके कारण ये लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर हैं, बड़े फिल्म मेकर, बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर या बड़े डायरेक्टर, इन लोगों की बड़े एक्टर स्टार एक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं उन छोटे प्रोड्यूसर, छोटे कलाकार,
पर डे कमाने वाला पर डे बेसिस पे जो काम करते हैं, एपिसोडिक सीरियल में काम करते हैं, ऐसे जितने भी छोटे मेकर हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, छोटे आर्टिस्ट मतलब जो वन डे टू डे थ्री डे करते हैं, जो कि रोज काम करते हैं तो ही उनके पास अपना जीवन चलाने के लिए पैसा आता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे जैसे जो छोटे लोग, जो छोटे आर्टिस्ट हैं, जो छोटे फिल्म मेकर हैं, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनका क्या होगा? उनका जीवन जो हमारे जैसे छोटे शहरों से इस शहर में, मुंबई में अपना सपना पूरा करने के लिए आते हैं, वो एक घर के अंदर अगर दो तीन महीने के लिए बंद हो जाएंगे, चलो 5 दिन 10 दिन 15 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 2-3 महीने के लिए एक घर में बंद हो जाए तो आप अपना जीवन कैसे चला पाएंगे? इनका जीवन किस तरह से चल पाएगा? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई भी एक ऐसा समूह हो, एक ऐसी संस्था हो, वो गवर्नमेंट के थ्रू हो या नॉन गवर्नमेंट के थ्रू हो या फिल्म फेटर्निटी के थ्रू, जो कि आगे आए और इस तरह की समस्या का निदान करे। एक पूरा का पूरा इस तरह के एक डाटा बना के, जी कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, 2-3 महीने 6 महीने तक अगर जो भी है बंद रहेगा तो इसमें इनके जो है जीविकोपार्जन कैसे किया जाए, ये अपना जीवन कैसे चला सकते हैं एक रूम के अंदर बंद करके, इसके बारे में ख्याल रखा जाए, इसके बारे में सोचे और जो भी हो सके इनका मदद जरूर करे, क्योंकि हम सभी लोग एक विषम परिस्थिति से जूझ रहे हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द हम इस समस्या का भी हल ढूंढ लेंगे। बस तब तक हम सभी लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें, यही आशा करते हैं और यही एकमात्र उपाय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय आनंद, मैं हूं राइटर डायरेक्टर मुंबई में। मैं चूंकि सिनेमा इंडस्ट्री में हूं तो सिनेमा इंडस्ट्री की बात कर सकता हूं मैं। सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, फाइट मास्टर के एसोसिएशन है, राइटर के एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन है, राइटर्स के एसोसिएशन है, सब है, जूनियर आर्टिस्ट के एसोसिएशन है, हर तरह के एसोसिएशन है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि हर एसोसिएशन जो है अपने मेंबर्स के साथ खड़े हैं, जितना हो सकता है उसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, उनके जितना बन पा रहा है उतना उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं कि सिनेमा इंडस्ट्री में जो सारे एसोसिएशंस हैं अपने सारे सदस्यों के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं, बावजूद इसके सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं एसोसिएशन के साथ एक्टिव नहीं है, हैं भी तो किसी कारणवश, किसी मजबूरी के वश वो एक्टिव मेंबर नहीं है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो एक मिडिल क्लास कहलाते हैं, पूरे देश में है ऐसा, सब जगह है, मिडिल क्लास है, मजदूर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हर तरह के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दौर में बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। छोटे लोगों की तो हमें तुरंत पहचान हो जाती है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे समझना बहुत मुश्किल होता है, पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से सिनेमा इंडस्ट्री में भी है, सिनेमा इंडस्ट्री में जो एसोसिएशन में हैं वहां तक तो सबकी जानकारी है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है, जैसे छोटे प्रोड्यूसर्स हो गए, मिडिल क्लास के प्रोड्यूसर्स हो गए, या फिर ऐसे एक्टर हैं जो एसोसिएशन के मेंबर भी नहीं हैं, तो उन तक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने ऐसे एसोसिएशन हैं इंडस्ट्री के हैं, वह ऐसे लोगों को भी फाइंड आउट करें और वहां तक भी मदद के हाथ जो है पहुंचाने की कोशिश करें। और जो लोग मदद के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मदद ना लेने के बजाय, मदद ना लेकर के ही वो अपने आप में देश की जो है बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, और जो डिजर्व करते हैं वो दूसरों की सेवा करके, दूसरे की मदद करके इस देश को इस परेशानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग आज की तारीख में, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, हर व्यक्ति इस वक्त एक ही परेशानी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है, वो है कोरोना वायरस। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं
लॉकडाउन से ठीक पहले फिल्म की शूटिंग कर रहा था, श्रीनगर फिल्म थी हमारी, उसका पैचवर्क था हमारा, वो मैं कोटद्वार में शूटिंग कर रहा था, और वहाँ से आते आते मुझे कुछ शारीरिक परेशानियाँ ऐसी होने लगी कि मुझे अपने आप को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और वहाँ पर जांच वगैरह हुई, सारी चीज़ें हुई जब कोरोना से रिलेटेड, और जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो थोड़ा सा हम लोगों को तसल्ली हुई, और हमारी पूरी टीम भी इस वक्त तनाव में आ गई थी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, और पूरे देश में जब बीमारी ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया था उस वक्त ये चीज़ें होना, और सारे लक्षण भी वैसे ही दिख रहे थे, लेकिन वो किसी और वजह से, इसलिए आप सबका धन्यवाद चाहूँगा मैं, आप सबको धन्यवाद क्योंकि आप सब ने मेरे लिए दुआएं की हैं। और अगर हम फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात करते हैं तो हम लोगों का जो एक बहुत बड़ा ऐसा वर्कर का एक ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज है, और उससे ज़्यादा कहीं सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज हैं, मतलब जिनके पास अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। बहुत सारे लोग नए नए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, किसी संगठन से नहीं जुड़ पाते हैं, ऐसे लोग जो किसी लिस्ट में नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल का समय है क्योंकि कहीं से उनको सहायता भी नहीं मिल पा रही होगी और वो न जाने किन हालातों में होंगे। बहुत सारे लोगों की तो शूटिंग में भी, बहुत सारे आउटडोर में भी लोग फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और मैं सरकार से अपील करूँगा कि इंटरटेनमेंट टैक्स एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारी तरफ से, हमारी इंडस्ट्री की तरफ से भारत सरकार को मिलता है, जिसके एवज में कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हमारा जो वर्कर है, हमारा जो लेबर है, यहाँ का जो श्रमिक है जो काम करने वाला है, उसके लिए भी कुछ अपनी योजनाएं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेड यूनियन है वो तो सब लोगों की मदद कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी मदद कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से अपनी कोई योजना नहीं है। इसलिए मैं सबसे चाहूँगा कि इस बारे में ज़रूर सोचें। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर काम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है कि आपने पर डे के हिसाब से जो काम किया उसका आपको पेमेंट मिलेगा। तो एक इतना लंबा लॉकडाउन की वजह से निश्चित रूप से वहाँ पे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी एक समस्या खड़ी हुई है। मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ कि 7 तारीख को मैं लखनऊ में 7 मार्च को सावधान इंडिया का शूट कर रहा था। 8 तारीख को वो शूट और चला उसी एपिसोड का, अभी 2 अप्रैल को टेलीकास्ट भी हो गया। उसके बाद वहाँ पे 7 एपिसोड और बनने थे, लेकिन जब होली की छुट्टी के बाद 12 तारीख को वहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो हैं वो गई डीएम साहब के पास, तो उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस टीम को वापस जाना पड़ा। उसके अलावा अगर बात करते हैं थिएटर की, तो हम लोगों का 23 तारीख को आनंद यानी कि गुजरात में शो था, वो कैंसिल हुआ, टिकट कैंसिल कराने पड़े। उसके अलावा शिमला हम लोगों के मई के फर्स्ट वीक में, मई मिड में नैनीताल, ये सारे शोज़ कैंसिल हुए। तो डेफिनेटली इसका असर तो बहुत दूरगामी पड़ेगा। आगे के समझिए कि सारे भी जो भी प्रोग्राम्स जैसे हम लोगों के ड्रामे के शोज़ के होते हैं वो हम लोगों को एडवांस में 3 महीने पहले तैयार करने पड़ते हैं। अब निश्चित रूप से अब ये आपके 31 अप्रैल तक जो बढ़ गया है तो इसमें नेचुरल सी बात है कि हम लोगों को भी कम से कम 2-3 महीने लगेंगे आगे की प्लानिंग को और मुकम्मल करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए। तो निश्चित रूप से सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि फिल्म है, थिएटर है, इन दो और दूसरी और क्रिएटिव फील्ड्स हैं उससे जो जुड़े लोग हैं उनकी जो माली हालत, उनकी आर्थिक स्थिति पर जो असर पड़ेगा इस लॉकडाउन की वजह से, तो उनकी कुछ मदद करनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद मिश्रा, राइटर डायरेक्टर। अभी पूरे देश में कोरोना नाम का महामारी फैला हुआ है, बहुत सारे लोग इसके चपेट में आ गए हैं, बहुत सारे लोगों को हमने खो भी दिया है। इस लॉकडाउन में हम जैसे मिडिल क्लास के राइटर डायरेक्टर पे भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फिल्म रिलीज होने वाला था या फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था। मैं खुद के बारे में ही बताता हूँ, जनवरी में मेरे हिंदी फीचर फिल्म आई एम नॉट ब्लाइंड का म्यूजिक रिलीज हुआ था, मार्च में होली के बाद फिल्म भी रिलीज होना था, लेकिन इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया और जो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट थे वो सब भी बंद हो गए और कब स्टार्ट होगा इसका कुछ पता नहीं। ठीक इसी तरह बहुत सारे लोग इस मुसीबत में फंस गए हैं, तो मैं सारे एसोसिएशन, बड़े प्रोड्यूसरों से ये अपील करता हूँ कि आप सब इनकी मदद के लिए आगे आ। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसके प्रभाव से कला जगत और फिल्म और टेलीविजन का काम भी प्रभावित हुआ है।
ऐसी विषम परिस्थिति में टीवी के लिए धारावाहिकों के निर्माण में लगे छोटे निर्माता और प्रोडक्शन के दूसरे साथियों के लिए राहत के उपाय किए जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब की सीमित आय का जरिया बिल्कुल थम गया है। ये सभी के लिए चिंता की बात है। निवेदन यही है कि छोटे और लघु निर्माताओं और निर्माण से जुड़े लोगों के लिए कुछ राहत इन्हें देकर मनोरंजन के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को बचाया जाए और इन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। जी हाँ, इस लॉकडाउन ने तो हम लोगों की कमर तोड़ दी है। फिल्म वर्कर्स के लिए तो ढेरों लोगों के हाथ आगे बढ़ गए हैं, उनकी मदद हो रही है, लेकिन क्या थिएटर आर्टिस्ट को ऐसी सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही है। थिएटर आर्टिस्ट भी जरूरतमंद है, लोगों को सोचना होगा कि उनकी मदद भी करें, उनके तो सारे काम रुक गए हैं। अब मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, मैं विजय भान सिंह अनुकृति रंगमंडल कानपुर का एक छोटा सा थिएटर आर्टिस्ट हूँ। हम 365 दिन रिहर्सल करते हैं, लेकिन हम इस लॉकडाउन में तो घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। क्या करें, कैसे करें, इस दुविधा में पूरा पूरा दिन निकल रहा है। लेकिन हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे, इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ेंगे। हम सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग को बनाएंगे और इस कोरोना को अपने देश से बाहर भगाएंगे। उसके बाद हम फिर आएंगे, फिर थिएटर को मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है और ना ही हौसला खोना है। जब तक लॉकडाउन है तब तक अपने अपने घरों में रहना है। पिक्चर प्लस की ये मुहिम या कि ये पहल अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और इन आवाज़ों में अपनी आवाज़ भी मिलाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। हमारे इस चैनल को साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने लोगों का खास ख्याल रखिए।